अस्सलाम वालेकुम माय डियर फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हैं। सो जी हाँ, आज नेक्स्ट डे हो चुका है और आज वहाँ का कुरान शरीफ का ख़त्म है। और जैसे कि मैंने मामू को बोल दिया था कि मैं 4 से 5 बजे तक आ जाऊँगी, लेकिन मैंने बोल कर तो आ गई, लेकिन मैं ये बात भूल गई कि हमज़ा का भी क्लास 10 का सिलेक्शन है, 5th of January से स्टार्ट है और उसके अभी ट्यूशन से 12 से 2 बजे तक वो एक ट्यूशन कर गया था, फिर 2 बजे से 4:30 बजे दूसरे ट्यूशन पे गया था मैथ्स और साइंस के, फिर 4:30 बजे समायरा गई ट्यूशन। मैंने हामी तो भर दी थी और मुझे इतना ख़राब लग रहा है, मेरी कुरान शरीफ ख़त्म में मैंने शिरकत नहीं करी। और शाजिया को लेकर मैंने बोल दिया कि तुम चले जाओ, तो शाजिया, हिबा, हम माँ, ये लोग सब चले गए, अम्मी भी चली गई हैं, मैं नहीं गई हूँ। तो देर हो गई है, आज 7 बज गए हैं और ना मैं मार्केट भी नहीं जा पाई, मेरा यहाँ का भी काम नहीं रहा क्योंकि समायरा खुद आई है 6:30 बजे। सो मेरे लिए एकदम बेकार था जाना। सो मैंने कहा ठीक है, जब देर हो ही गई है तो चलिए आज चलते हैं, आज गुड्डू मामू के घर अभी जाना हो रहा है रोज़ाना। और एक बात, बहुत लोग ये बात पूछते हैं कि शादी मेरे भाई, प्लीज़ मैं ये बात क्लियर कर दूं, हम पांचों बहनों का एक ही लौता भाई है फजी, उसकी शादी बहार अभी नहीं है और अभी उन्होंने सोची भी नहीं है उसकी शादी करने की, वो बहुत छोटा है। और मेरे भाई की शादी है, मुजैफा नाम है उसका, और तो फजी की शादी होगी तो आप लोग को बता दी जाएगी। फिलहाल अभी मेरे भाई की शादी है, चलिए। निकलने से पहले मैंने सोचा शाहजन को एक बार डॉक्टर को दिखा दूँ, क्योंकि एक दिन पहले शाहजन बहुत ज़बरदस्त गिर गया था और उसकी बहुत ज़बरदस्त चोट आई थी, तो हम लोग को वुडलैंड्स लेके जाना पड़ा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कोई स्टिचेस नहीं आए, बहुत ज़बरदस्त खून निकला था, एकदम अंदर डीप कट हो गया था। सो मैं जब उसको ड्रेस पहना रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था वहाँ सूजन आई हुई है, तो मैंने सोचा एक बार दिखा दूँ उसके बाद निकलते हैं। और माशाल्लाह से लाइटें लग गई थी और इतना अच्छा लग रहा थी, रौनक लगी हुई थी, घर माशाल्लाह पूरा भरा हुआ था, सब बैठे हुए थे, कोई इस कोने में कोई उस कोने में। जब हम झुंड बना के बैठते हैं ना, सब भूल जाते हैं कौन कहाँ है कहाँ नहीं, बच्चे कहाँ कहाँ नहीं। इतना मज़ा आ रहा था, मतलब बरसों की बरसात में इंसान, हम लोग एक साथ होते हैं शादी वगैरह में मिल जाते हैं, वरना कहाँ किसको कितनी फुर्सत। तो बस यहाँ हम लोग बैठ गए खाना खाने के लिए, और कल गुड्डू मामू ने बिरयानी बनवाई थी और आज नहारी बनवाई है, बाहर से बनवाई थी, लेकिन बस अच्छी थी, लेकिन इतनी अच्छी नहीं जैसे अम्मी वगैरह घर में बनाती हैं, हम लोग जैसे घर में बनाते हैं वैसी नहारी नहीं थी। सुबह से यहाँ निकल गए थे और आज फिर यहाँ पर बच्चे सब जिद करते बलवंत जाने की, और हम लोग बलवंत गए थे, लेकिन इस बार केकिशा शाहिद हम लोग सब गए थे, और सिर्फ दूध फांटा नहीं, इस बार कुल्फी भी सबने खाई है, और बहुत मज़ेदार कुल्फी थी वहाँ पर। और बस ये देखिए, यहाँ पर फ्लाईओवर से मैं जा रही थी, मुझे इतना अच्छा लग रहा था ये लाइटनिंग देख कर। प्लीज़ मेरी आवाज़ बैर कर लीजिए, क्योंकि मेरी आवाज़ पूरी बैठी हुई है, जब समझ सकते होंगे हम लोग जब एक साथ बैठते हैं हंसी मजाक करते हैं तो आवाज़ ज़्यादा बात करने से बैठ जाती है, तो प्लीज़। No,
हम लोग का सिंगल हीरो है, आज ये भी ड्राइव में निकला है शेजान। अरे हम लोग सिमरा है, वाह सिमरा शेजान शेजान कहे शेजान मेरे पापा पा मेरे बोलो बोलो। सो बस ये था आज का व्लॉग। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। कल फिर मिलते हैं न्यू व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।